बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह आलम इस्लाम का बहुत बड़ा दीनी और इल्मी मरकज़ मरकज़ मुस्तफ़ा गुजरा वाला, जिसका तारुफ़ मीडिया पे तो पूरी दुनिया देख रही है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने बनफ्स नफीस यहाँ के असातिज़ा से मुलाकात भी की है, और हमारे जामे सूफिया पंजाब के दो हुनर तालिबे इल्म हाफिज़ हैदर अली और हाफिज़ अब्दुल बासित, उनके एडमिशन के सिलसिले में यहाँ आना हुआ। ये अजीम शान खूबसूरत बिल्डिंग और इसमें जो निज़ाम तालीम और तरबियत रूहानियत का जो अमली नमूना हमने देखा है असातिज़ा और स्टाफ को देख कर, पीरज़ादा साक़िब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब के जो खिताबात हम सुन रहे हैं उनके नतीजे में अमलन अखलाक़े करीमाना का मुजाहरा जो यहाँ के स्टाफ ने किया है, इस पर उनको मुबारकबाद भी पेश करते हैं और दराज़ी उम्र की दुआ करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन मिल्लत इस्लामिया पर अहले सुन्नत पर इस शख्सियत का साया तादेर कायम रखे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह आलम इस्लाम का बहुत बड़ा दीनी और इल्मी मरकज़ मरकज़ मुस्तफ़ा गुजरा वाला, जिसका तारुफ़ मीडिया पर तो पूरी दुनिया देख रही है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने बनफ्स नफीस यहाँ के असातिज़ा से मुलाकात भी की है, और हमारे जामे सूफिया पंजाब के दो हुनर तालिबे इल्म हाफिज़ हैदर अली और हाफिज़ अब्दुल बासित, उनके एडमिशन के सिलसिले में यहाँ आना हुआ। ये अजीम शान खूबसूरत बिल्डिंग और इसमें जो निज़ाम तालीम और तरबियत रूहानियत का जो अमली नमूना हमने देखा है असातिज़ा और स्टाफ को देख कर, पीरज़ादा साक़िब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब के जो खिताबात हम सुन रहे हैं उनके नतीजे में अमलन अखलाक़े करीमाना का मुजाहरा जो यहाँ के स्टाफ ने किया है, इस पर उनको मुबारकबाद भी पेश करते हैं और दराज़ी उम्र की दुआ करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन मिल्लत इस्लामिया पर अहले सुन्नत पर इस शख्सियत का साया तादेर कायम रखे।